सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग एंड अदर ब्लॉग। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में फाइनली हम बात करने हैं रॉटवाइलर के बारे में, क्योंकि गाइज आज के टाइम में सही बोला जाए तो मैं एक बात करने वाला हूँ इंडियन में डॉग्स को, जो सरकार ने बैन लगा दी है फाइनली गाइज। और हमारे पास रॉटवाइलर पपी है, जो कि अभी कुछ टाइम रिसेंटली मैंने 15 दिन पहले ही लेके आया, तो उसके तकरीबन 10 दिन बाद ही मतलब पता चल रहा है कि रॉटवाइलर और पिटबुल वगैरह बैन हो गए। तो गाइज इन सब चीज़ों पर मैं आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रॉटवाइलर को आखिर क्यों सरकार ने बैन कर दिया गया। गाइज कौन कहेगा कि रॉटवाइलर खतरनाक होते हैं, देख रहे हो पपी है लेकिन अभी मम्मी के गोद में बैठ के खेल रहा है, लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया। पता नहीं क्या सिस्टम है भैया, क्या सोच के रॉटवाइलर पे बैन लगा दिए लोग। गाइज मैं बता दूं, टोटल इंडिया में 23 ब्रीड को मतलब सरकार ने बैन लगा दिया, केंद्र शासित प्रदेश या जो भी प्रदेश है सब में बैन लगा दिया गया। और आई थिंक अभी तकरीबन 4 दिन पहले ही मतलब सब में जारी कर दिया गया है कि आफ्टरऑल जितने भी हैं उनको मतलब अब से बिक्री पे बंद कर दिया गया, रॉटवाइलर नहीं खरीद सकते हैं। और सरकार ने पता नहीं क्या सोच के, मुझे तो नहीं लगता, अभी मम्मी के गोद में खेल रहा है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको और स्क्रीनशॉट में लगाता हूँ इस ब्रीड का कि कितने ब्रीड अमेरिकन बुल्स, पिटबुल्स, रॉटवाइलर जो भी जितने जी हैं सिर्फ इंडिया में पाल सकते हैं, वो लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन, इन सब कुत्तों को पाल सकते हैं। गाइस पता नहीं क्या सीन है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में सरकार ने फॉरेन कंट्री जैसे कि विदेश की कंट्रियों में मतलब डॉग्स वहाँ बैन कर दिए गए हैं, तो क्योंकि वहाँ पर डॉग्स इसलिए बैन कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट डॉग नहीं है, इसलिए वहाँ के डॉग्स 85% चेसेशन कंट्रोल करने के बाद भी वहाँ पर बैन करके सरकार ने वैसे देख के जैसे कि यहाँ पर पिटबुल्स वगैरह, रॉटवाइलर वगैरह सबको बैन कर दिया गया है। और एक्चुअल में अटैक देख के, क्योंकि ये बहुत ही अग्रेसिव और जो अमेरिकन बुल्स होते हैं वो सब चीज़ों को देख के मतलब जैसे कि इनको देख के अमेरिकन बुल्स हो गए, पिटबुल्स हो गए और रॉटवाइलर हो गए और जो भी टोटल 23 ब्रीड को मतलब सरकार ने बैन किया हुआ है। बट गाइस ऐसा मुझे तो नहीं लगता क्योंकि यार स्ट्रीट यानी कि जो गांव में घूमते हैं वो डॉग्स अगर काटते हैं तो एज यूजल वो हेडलाइंस में नहीं आती, एज कभी भी मीडिया में या न्यूज़ में देखो आप तो एज यूजल वहाँ पर दिखता है कि पिटबुल ने 2 साल के बच्चे को काट लिया, तो वो तो एक्चुअल में आप क्लिक करके देख लेते हो। बट गाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर स्ट्रीट डॉग अगर काट लिया मतलब एज यूजल डेली के तो 1000 आराम से काटते होंगे कुत्तों को मतलब है ही, तो उस पर आप क्लिक नहीं करोगे तो एज यूजल उसका कौन सा रिस्पॉन्स कौन लेगा। और ये डॉग ओनर का तो हम लोग मतलब एक ओनर ट्रेंड करता है, एक ओनर अपने डॉग को शुरू से लेके और शाम मतलब शुरू से लेके 6 महीने तक ट्रेंड करता है, एज यूजल वो माहौलिक हो जाता है। अभी के टाइम में मेरा डॉग देखो आप सिंपली सामने, शाम के टाइम में एकदम मस्त, अभी पपी है तो रॉटवाइलर है, कौन कहता है कि खतरनाक है भाई, क्योंकि रॉटवाइलर इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि वो अच्छी ट्रेनिंग अगर अच्छी मतलब ट्रेनिंग ओनर ले या अच्छी ट्रेनिंग उनको दिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं कि वो एग्रेसिव होते हैं। ऐसे में अमन बुल्ली करके एक चैनल है जो कि आप पिटबुल्स भाई देखोगे, पिटबुल के साथ ब्लॉग करते हैं भैया वो, तो एज यूजल कितनी ज़्यादा कूलिंग और कितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पिटबुल बहुत अग्रेसिव होते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। सरकार को ऐसे निर्णय लेने के लिए और किसी भी ब्रीड को या मतलब इलीगल ब्रीड या मैक्सिमम टाइम मैंने पढ़ा है पूरा इलीगल ब्रीड करके ऐसे बैन कर दिया गया, तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इलीगल और लीगल में, क्योंकि ऐसे इलीगल में तो हम जो दूध पीते हैं गायों का वो भी इलीगल ब्रीड से ही आते हैं। और अगर एज यूजल आप अगर सिटी में जाते हो तो देखोगे कहीं पर भी ऐसे ही जस्ट मतलब फेंका कूड़ा काड़ा फेंका रहता है, वहाँ पर गाय बछड़े जो जितने ज़्यादा आते रहते हैं तो एज यूजल वहाँ कूड़े कचड़े बहुत ज़्यादा फेंके रहते हैं, तो वो भी मतलब गाय भैंस खा लेती हैं, वो भी इलीगल है, उसको भी सरकार को बैन करना चाहिए। मैं बता दो एक चीज़, सरकार के इस फैसले से मुझे जहाँ तक पता आने वाले जनरेशन में जो भी मेडिकल के यानी कि डॉग्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, आई थिंक ये हमारे जो ब्रीड्स जो बैन हुए थे 23 ब्रीड, उनके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा मुझे जहाँ तक पता है, तो अभी के टाइम में उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए क्योंकि ऐसे ऐसे ब्रीड वो हो चुके हैं कि जो बड़े बड़े लोग पालते हैं उनसे एक तरह ये कह सकते हैं उनके मतलब आने वाले जनरेशन जो हमारी होगी उनको इन सब ब्रीड के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे पास ऐसे ऐसे डॉग्स थे एक्चुअल में, क्योंकि सरकार ने इनको न्यूट्रलाइजेशन मतलब पता नहीं भैया मुझे इतना आइडिया नहीं मतलब कर न्यूट्रल करने के लिए मतलब आदि से सख्त तो इन सब चीज़ों को लेके, तो लेकिन ये चीज़ न्यूट्रल करने का मतलब आई थिंक एक तरह मारना ही हो जाएगा, तो ये चीज़ आने वाले जनरेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। पता नहीं सरकार क्या सोच के मतलब ये फैसला लिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि डॉग को लेके मतलब जो ब्रीड्स जो भी इतना एग्रेसिव ना होने की वजह से पता नहीं क्या सोच के इनको बैन लगा दिया गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बट गाइज आप बताना कि सही किया कि गलत, क्योंकि
डॉग एक्चुअल में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो अटैकिंग उनका तो मतलब जनरेशन है। बाहर के जो बैन लगाए गए बाहर देशों में वहाँ स्ट्रीट डॉग है ही नहीं, अपने यहाँ तो स्ट्रीट डॉग हैं। तो वो अटैकिंग देख के मतलब ये सब कुछ देख के कारनामा के आने वाले जो भी पिछले दिन बीते हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब कुत्तों का थोड़ा बहुत मामला आया हो, तो उसमें स्ट्रीट डॉग 95% है। और गाइस 5% जो जाके ये हमारे मतलब पालतू जो हम लोग पाले हुए हैं तो उन पे हैं। तो गाइस 95 पे ना फोकस करके 5% पे फोकस करना, ये सही है गलत आप ज़रूर कमेंट करके ये बताना। तो गाइस आई होप मेरी बातें पसंद आई होगी आपको, तो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।